थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़ित ने दर्जनों लोगों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने यहाँ एक शिकायती पत्र भी दिया है जिसमें उसने बताया है कि उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था जिसमें उसके गोली लगी थी, लेकिन पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया पर आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। आरोपी लगातार अब दबाव बना रहे हैं जिससे परेशान होकर पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर दर्जनों की संख्या में खड़े हैं सभी लोग। रमन पांडे पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र पांडे निवासी मोहल्ला थाना बेवर के साथ यहाँ आए हैं। यहाँ पीड़ित की ओर से एक शिकायती पत्र दिया गया है जिसमें पीड़ित ने बताया है कि दो वर्ष से मनोज कुमार सिंह पुत्र युधिष्ठर सिंह, उनकी बहनोई कमलेश सिंह और मुनी अखिलेश सिंह चौहान से उसका रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था जिसमें मनोज सिंह कई बार उसे जान से मारने की धमकी दे चुका था और आखिरकार 24 सितंबर के दिन जब वह हिसाब किताब के लिए गया तो इन लोगों की ओर से उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित की ओर से पुलिस को सूचना दी गई लेकिन पीड़ित को यहां न्याय नहीं मिला। उसी दिन शाम को जब वह होटल पर खाना खाकर वापस अपने घर आ रहा था तभी ओवर ब्रिज के नीचे अखिलेश सिंह चौहान और उसके तीन साथियों ने उसे जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर गोली चला दी। मौके से फरार हो गया। घायल अवस्था में उसको उपचार के लिए बेवर स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र लाया गया जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने 25 सितंबर के दिन FIR दर्ज कर ली, लेकिन मुलजिमों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मुलजिम लगातार खुलेआम घूम रहे हैं और FIR को वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित की ओर से शिकायती पत्र देते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार भी लगाई गई। साथ मिलने आए, क्या शिकायत है पांडे जी? ये 24 तारीख को दिन में झगड़ा हुआ था अखिलेश सिंह चौहान से और शाम को उन्होंने 8-9 बजे बंद होटल पे खाना खाने जा रहे थे हम, उन्होंने गोली मार दी। पैसों का लेन देन था, 2.5 साल हो गई है। कपिल मुनि चिल्ड्रंस अकेडमी के डायरेक्टर हैं, उनके दो कोल्ड बनवाए थे 2.5-3 साल पहले हमने, तो उन पे मेरा पैसा बकाया है। जब पैसा मांगने जाओ धमकी देते हैं, कई बार धमका चुके हैं, जान से मारने की धमकी दी। और ये 24 तारीख को जब कुछ हिसाब किताब होने की नौबत आई तो मैं गया वहाँ पे, तो दिल में मुझसे गाली गलौज की, बदतमीजी की। और जब मैं बड़े वाले भाई को भेज के दोपहर में ही शुक्रवार को थाने में भेजा तो सिपाही वगैरह आए तो ये भाग गए। शाम को गग्गरपुर नहर पार करके GT रोड पर ISR एजेंसी के सामने फ्लाईओवर के नीचे मुझे दो बाइकों से घेर लिया और बोले मनोज जीजा जी, उनके जीजा जी है कमलेश, मनोज और जीजा जी, और मुझे तूने बहुत परेशान कर रखा है, पैसा तुझे नहीं मिलेगा, आज ऊपर पहुंचा दूंगा। एसपी से मिले क्या कहा? अभी मुलाकात